नमस्कार, मैं होस्टों किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम घिया के कोफ्ते बना रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक फ्रेश घिया ली है और उसका हम छिलका उतार लेंगे। हमें ध्यान रखना है घिया कच्ची हो, उसमें ज़्यादा बीज ना हो। छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं घिया को ग्राइंड कर रही हूँ, आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। घिया पिस चुकी है। अब हम साफ कपड़े की सहायता से घिया का सारा पानी निकाल लेते हैं। कोफ्ते बनाते समय मिक्सचर ज़्यादा गीला ना हो। ये जो पानी निकल रहा है, ये भी हम सब्जी में ही इस्तेमाल कर लेंगे। घिया को एक बोल में डाल लेते हैं। बारीक कटी प्याज, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, हल्दी पाउडर और 2 चम्मच मैदा, आप चाहे तो बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नमक और कटा हुआ धनिया। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमें इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्याज में भी पानी होता ही है। मिक्सचर को सॉफ्टी रखेंगे। तेल गरम कर लिया है, उसमें अब हम कोफ्ते सेक लेते हैं। गैस को मीडियम हीट पे रखेंगे। कोफ्ते एक साइड से सिक चुके हैं, इसे अब हम आराम से पलट देंगे। इन्हें ब्राउन कलर होने तक हम सेकेंगे। कोफ्तों को सिकने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। अब गैस को लो हीट पे कर देंगे, जिससे कि कोफ्ते अंदर से कच्चे भी ना रहे। कोफ्ते अच्छे से सिक चुके हैं, इसे अब हम निकाल लेते हैं। हम कढ़ाई में से ऑयल को कम कर लेंगे। बस थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में छोड़ेंगे। जीरा डालेंगे, एक चुटकी हींग, रफली कटा हुआ अदरक और लहसुन। गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे। हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, सभी को हल्का भून लेंगे। अब गैस को मीडियम हीट पर रखेंगे। प्याज अच्छे से भुन चुकी है। अब बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। ये सभी मसाले हम डालेंगे। गरम मसाला, सौंफ पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, दालचीनी पाउडर और धनिया पाउडर। गैस को लो हीट पर कर देंगे और मसालों को हम भून लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम 2 चम्मच इसमें दही डाल देंगे। इसे भी मिक्स कर देंगे। जो पानी हमने घिया का निकाला था, उस पानी को अब हम इसमें ऐड कर देंगे और 1 कटोरी पानी इसमें और डाल देंगे। 2 कटोरी पानी डालना है। ग्रेवी को हमें पतला रखना है। 5 मिनट और पकाएंगे। ग्रेवी बनकर तैयार है। कोफ्ते इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी मलाई ऐड कर देते हैं और कटा हुआ हरा धनिया। घिया कोफ्ता की सब्ज़ी बनकर तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है और कोफ्ते भी बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, आप देख सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चों को भी ये सब्ज़ी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।